साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों मनोविज्ञान में जो हम शिक्षण विधियां बता रहे थे वो आगमन विधि बता रहे थे, तो आगमन विधि की जो विशेषताएं हैं आज पुनः बताएंगे क्योंकि हमने उसके बारे में कल बताया था। तो आगमन विधि की विशेषता क्या होती है, जैसे हमने कल कहा था आगमन विधि वह होती है जिसमें उदाहरण पहले बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है और जब वो उदाहरण आप प्रस्तुत कर देंगे फिर बालक को उसको समझाया जाएगा, फिर बताया जाएगा, फिर नियमों को बताएंगे, फिर सूत्र को बताएंगे। तो पहला क्या है कि बालक के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है और हमने बताया था यह जो कमजोर छात्रों के लिए है, मंद बुद्धि बालकों के लिए है, वह सबसे उपयोगी विधि है। क्यों है? क्योंकि जो मंद बुद्धि का बालक होता है वो क्या हो जाए, जब उदाहरण दे करके उसको समझाएंगे तो उसको ज्यादा समझ में आती है। अब अगला हम चलते हैं उसी में, हम उसके गुणों को बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है गुण क्या है। तो पहला गुण इसमें है आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के जो गुण है क्या है, गुण है प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी पहला चलते हैं, पहला हमारा है छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्र क्या है? सक्रिय रहते हैं, माने इस विधि में छात्र क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण होता है यह सरल एवं स्वाभाविक विधि है, यह सरल एवं स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है, दो हो गया। तीसरा देख लीजिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह कौन विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, विधि है। अगला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से किधर की ओर, स्थूल ये सब बता चुके हैं आपको, स्थूल की ओर, ये शिक्षण सूत्र है, ये क्या है, शिक्षण सूत्र होता है। अगला हम चलते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, अगला क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है अज्ञात की ओर, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ये भी क्या है, शिक्षण सूत्र होता है। फिर क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगला क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर की ओर, ये सारे के सारे पूछ चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र स्वतंत्र चिंतन करते हैं, स्वतंत्र कार्य करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने पहले उसको एग्जाम्पल दे दिया है। इसलिए यह विधि कैसी है, इस विधि में छात्र क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, छात्र क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और फिर क्या होते हैं, चिंतन कार्य स्वयं करते हैं, स्वतंत्र होते हैं और वो अपना कार्य स्वयं करते हैं और कार्य करते हैं। अगला फिर क्या होता है, छात्र जो होते हैं स्वतः ज्ञान अर्जन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने पहले से एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें छात्र क्या होते हैं, स्वतः जो है, छात्र स्वतः ज्ञान अर्जन करते हैं, स्वतः ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। अगला क्या होता है, इसमें जो प्राप्त ज्ञान होता है, इसमें माने आगमन विधि से जब आपने एग्जाम्पल दे दिया तो इससे जो विधि ज्ञान प्राप्त होगी वह अस्थाई होगी, वो कैसा होता, अस्थाई होता है। अगला क्या है, अगला देख लीजिए, अगला जो है इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, इसमें क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, पहला छात्र एक्टिव होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल आपने दे दिया उसके बारे में सोचेगा, ये सरल होता है, स्वाभाविक होता है, ये मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो इम्पोर्टेंट है,
इसमें छात्र स्वतंत्र होते हैं, इसमें स्वतः ज्ञान अर्जन करते हैं, इसमें जो अस्थाई ज्ञान होता है इसमें आत्म विश्वास बढ़ता है। तो ये आगमन विधि का बहुत इम्पोर्टेंट था, ये पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट प्रवक्ता में भी आया था, एमएड एंट्रेंस में भी आया था कि आगमन विधि में कहां से किधर की ओर होता है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होगा। ऐसे दे देगा प्रश्न, पूछेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, तो ऐसे करना रहेगा। फिर आपका पूछेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किस शिक्षण विधि में करते हैं। प्रश्न देखते रहिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है इसका सूत्र का प्रयोग किस शिक्षण विधि में करेंगे। आपको विकल्प दे देगा आगमन विधि, निगमन विधि और आपका संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। फिर दे देगा मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि क्या है, तो जो है मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है, सबसे अच्छी विधि आगमन विधि होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको बता दिया, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें जो है बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। कौन सी विधि ऐसी है जो सबसे बालकों में सबसे सक्रिय रहते हैं, किस विधि में, तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो आप किस में सक्रिय रहते हैं, आगमन विधि में रहते हैं। तो इस प्रकार आगमन विधि की हमने चर्चा कर दिया, आगमन विधि से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगला हम चलते हैं निगमन विधि, अगला हम चल रहे हैं निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है, आइए देख लेते हैं निगमन विधि है क्या। तो निगमन जो विधि है आपका उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि जो है वो क्या है, डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें आइए ध्यान देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो निगमन विधि है जब उसको एजम्पशन दे दिया जाता है, सूत्रों को पहले बता दिया जाएगा, नियमों को पहले बता दिया जाएगा, इसमें क्या करना होगा, नियम बता दीजिए, नियम बताना होता है, फिर सूत्र को बता दीजिए, सूत्रों को बता दीजिए, फिर जो है जो आधारभूत एजम्पशन है उसको बता दीजिए, अवधारणाओं को बता देना है, अभी धारणाओं को बताना है, इन अवधारणाओं को बता देंगे, फिर जो है उसके बाद बच्चों को कहेंगे अब तुम स्वयं लगाओ। अब सूत्रों नियमों को बताया जाएगा, पहले बताया जाएगा, अब बताने के बाद पुनः ये कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको उदाहरण देंगे, अब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे हमने फार्मूला दे दिया, हमने कहा ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जैसे हमने दे रहे हैं a प्लस बी का ये फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, तो हमने दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसमें हमने कहेंगे कि अब इसको रखने की कोशिश करिए, कहाँ कहाँ ये फार्मूला लगेगा। तो इसी प्रकार अब आपको रखना है कि इसकी जगह पे अगर हमको रखना है कि जो है x प्लस वाई रख दिया जाए तब क्या होगा, या 2x प्लस वाई कर दिया जाए तब इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और इंटू वाई। तो ये हमको क्या मिल गया, हमको एग्जाम्पल मिल गया। तो पहले हमने क्या बताया था, हमने सूत्र बताया, फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, फिर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना है। तो ये जो विधि है आपकी निगमन विधि है, इसमें पहले क्या बताना रहेगा, इसमें पहले सूत्रों को बता देंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। इसका मतलब ये हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया, क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया। तो वीडियो आखिर तक देखेंगे तभी लाभ होगा। अब हम चलते हैं, हमने क्या कहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी शिक्षण सूत्र है जिसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर यूज करते हैं। इसके पहले आगमन विधि में क्या था, सूक्ष्म से स्थूल की ओर था,
इसमें पहले क्या रहेगा, इसमें सूत्रों अवधारणाओं का प्रयोग करेंगे, यह किन किन विषयों के लिए उपयोगी होता है, तो यह गणित हो गया, विज्ञान हो गया, किन किन विषयों के लिए उपयोगी है, विषय देख लीजिए, आइए हम लिख देते हैं विषय के लिए कौन कौन उपयोगी होता है, तो विषय हमारा हो गया पहला गणित के लिए भी है, गणित में देख लीजिए अलजेब्रा के लिए हो गया अलजेब्रा, दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए हो जाएगा, फिर हमारा हिंदी में भी आता है, हिंदी में सूत्रों का प्रयोग संधि में करते हैं, तो इस प्रकार बहुत सारे विषयों में इसका उपयोग होता है। तो जब विषयों को पढ़ाना और पूछ लेता है कि जो है गणित में किन का प्रयोग करते हैं, तो आगमन विधि और निगमन दोनों का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार हिंदी में भी दोनों का प्रयोग करते हैं, तो यह विधि एक ऐसी विधि है जो बहुत अच्छी विधि भी है और निगमन विधि भी अच्छी है। अब इसके बारे में और गुणों की चर्चा हम कल करेंगे, तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।